Hey guys, good morning. Welcome back to the vlog. नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए vlog के साथ. होप आप लोग एकदम मस्त होंगे. मैं भी एकदम मस्त हूँ. सुबह से आज का बस ये प्लान है कि भाई आज मैं आऊँगा गाजर का हलवा भाई और आते हैं. और देखो भाई धूप आ चुकी है हमारे उधर. आज थोड़ा सा जल्दी आ गई थी हमारे उधर ना धूप. धूप जल्दी आ गई थी देर धूप से का. अब बनाता हूँ मैं हलवा. आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं ऐसे ऐसे बनाते हैं. बस बनाना था एक बार. मैं कल बना रहा लेकिन मैंने सोचा यार कि आज बना लूँ तो चेक करो भाई. बनाते हैं सामान. देखो ये है गाजर. इस पर रखे मैंने और वैसे मैं जमीन को ऐड की कर लिया और कहाँ से रख लेता हूँ भाई. एक बार बोलूँ भाई अगर भाई तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो ना पहली बात तो उसके पीछे पूरी जान दीजिए. जान लगा दो भाई किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं. चाहे आप किसी भी उस पर जान सकते हो ना तो उसके पीछे पूरी चीज़ जान लगा दो. चाहे भाई सक्सेस मिले या ना मिले वो अलग बात है. लेकिन भाई हार नहीं माननी ऐसा मुझे लगता है. मैं तुम हार नहीं मानेंगे ना भाई. लोग भाई बोलते रहेंगे कि भाई ये है सो है ये कितना काम हो चुका है भाई. लोगों का काम ही वही है कहना भाई तू ये क्यों कर रहा वो क्यों कर रहा. किस बात की शर्म काम है भाई. ठीक है आज आज के जमाने कुछ ऐसे है ना भाई कि लोग एक दूसरे को कुछ करता हुआ नहीं देख सकते. तो कुछ करना चाहता है उसे भी कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे कि भाई ये क्यों कर रहा हूँ. सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है. सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है भाई. कभी कुछ भी करो भाई किसी ने कुछ तो गोल बना रखा होगा ना भाई. उसे वो करना है ना. एक बार उसे उस चीज़ के पीछे जाने तो दो क्या होता भाई. उस चीज़ के पीछे उसे सक्सेस मिल जाए. क्यों जिंदगी में अगर अपना हर चीज़ पसंद के हिसाब से चलोगे ना तो भाई कुछ हासिल नहीं हो पाया. भाई कभी ना पसंद को ही अपनी पसंद बनाना पड़ता है. बस भाई गाजर थोड़ा सा रह गए. एक और रह गया इसके बाद जो इतना ही सही बच गया है. एक और रह गया थोड़ा सा सोच लीजिए. हाँ तुम्हें क्या कह रहा था जो पूत रहेंगे भाई लगे लो. वो काम ही वही है यार. बस बस तुम्हारे घर वाले जो जो चीज़ तुम कर रहे हो तुम्हारे घर वाले एग्री हैं भाई. ये चेक करो भाई गाजर वगैरह पूरा कोर लिया मैंने. बारीकी से देखो भाई क्या लग रहा है ना ऐसे. अमेजिंग लग रहा है यार भाई. एक मिनट पे रख लेते हैं इसको और कढ़ाई भी चढ़ाते हैं गैस पे. भाई पहाड़ों में ऐसी भी कढ़ाई होती है. देखो गैस ऑन कर लेते पहले
वाला गी गाते हैं देसी साई गी। देखो भाई ये आते हैं, अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है भाई, इसमें डालते हैं घी। गर्म हो चुके हैं, इसमें डालते हैं घी। ठीक है, ये डाल लिया भाई इसमें घी। पुलाव डालते हैं, इसको पिघल देंगे और मैं आपको खा ली दो। पिघल दिया है बस, थोड़ा सा रह चुका है, ये नहीं देखते हैं। तो गाइस गर्म हो चुका है, अब इसको डालेंगे हम। देखो भाई क्या ही लग रहा है ना, बारीकी से किया है वैसे। इसको डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें घी में। अरे पहाड़ों में ऐसी कढ़ाई होती है काली वाली, ये लोहे की है ना। स्लीपर में बना रहा था मैं एक बार, लेकिन भाई वो एक कम है, दो से क्या ही बनाऊँ मैं। मिक्स अपन, भाई क्या लग रहा है ये, इसमें लगता है मुझे घी कम हो गया है। थोड़ा बहुत और डालूंगा मैं, अभी ऊपर से डालूंगा। इससे थोड़ा और घी डालूंगा मैं, कम कर लेते हैं। भाई इतना घी और डाल रहा है इसमें, गिर भी तो नहीं रही, करना पड़ेगा। थोड़ा और डाल लेते हैं, घी ज़्यादा ना हो जाए, कोई बात नहीं है, ज़्यादा भी रहेगा इसको तो ऐसे भी अभी पिघल जाएगा, गर्म हो गया तो जो ना इसको फिर 5-10 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम दूध। क्या लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। ये मिक्स हो जाएगा, इसको हो रहे होते हैं। और गाइस कौन सा वाला दूध डालना पता है तुम्हें, ये है हमारा मदर डेयरी, ये वाला, ये देखो भाई दूध डालूंगा मैं। 90 डेज की लाइफ होती है गाइस इसकी, मतलब इसको 90 डेज तक ना, 90 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब पूरे 3 महीने तक इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसी ना। गाइस इसको 5-10 मिनट तक ऐसे ही घी में भून लेंगे,
ताकि इसमें पक जाए। उसके बाद डालेंगे इसमें दूध, जितना भी होगा मतलब इसकी मात्रा से ही। और देखो पकने लग गया है, अब इसको डालेंगे। एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ ना मैं आप लोगों को, एक बार ये देखो क्या लग रहा है ना, पका लेंगे। पाँच दस मिनट बाद इसमें डालेंगे हम दूध, वो भी कौन सा, मदर डेरी मिल्क, रिच ऑफ प्रोटीन लिखा है इसमें, लो फैट मिल्क रिच ऑफ प्रोटीन। अगर मम्मी छोटे वाले डॉगी भी ला गया बाहर, इससे ही मिला देता हूँ मैं आप लोगों को, और इसमें से पकने देता हूँ थोड़ी देर ना, और इसमें लगा देता हूँ थोड़ा सा ढक्कन। तो गाइस इसमें मैं ढक्कन लगा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा पक जाने देता हूँ ऐसे, उसके बाद मिलाता हूँ आपसे डॉगी से। गाइस सैंडी को देखो, सैंडी सैंडी मेरे पे इसको देखना, सैंडी 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 आ जा। गाइस देखो मैं यहाँ को आ रहा हूँ ना, अपना भी आ रहा है, अभी रोने लग जाएगा, खड़ा हुआ है ना, अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, जान लग गया, अब रोने लग गया। गाइस सैंडी सैंडी आ जा। देखो गाइस मैंने बुला लिया ना, अब आएगा तेरे को, सैंडी आ जा। अब तो चलने भी लग गया थोड़ा सा ना, बड़ा हो गया सैंडी। हेलो गाइस। गाइस देखो खेल करने के लिए आ रहे हैं मेरे साथ, अभी दौड़ लगा रहा है, देख कैसा आ रहा है, देखो मेरे साथ आ रहा है। अभी देखो मैं उधर को जाऊंगा ना, तो उधर को ही आ जाएगा ये, सैंडी आ जा। रोने लग गया है इसको, देखो अभी वो कैसे देखेगा, सैंडी आ जा इधर आ। तो भाई धूप आ गई है मस्त वाली, और मैंने इसको रख दिया है, भाई क्या धूप आ गया ना, ये चेक करो क्या मौसम हो रखा है ना इसका। तो अंदर जाते हैं उसको देखते हैं, अभी खोलते हैं कढ़ाई को, क्या हो पता लगा कहीं नीचे लग गया हो, इसको हटा लेते हैं, भाई गर्म हो रखा है। तो गाइस देख सकते हो आप ये पक चुका है ही में, अब इसमें डालेंगे हम दूध, डाला हमने इसमें दूध, दूध थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगा मैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा पक जाएगा तो अच्छे से अच्छा होगा ना, देखते हैं। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ साइड पे, इसको चेक कर, साइड में जल गया था ये, तो साइड में लगा था ना ये, यहाँ पे ये देखो ये जल गया है, और ये तो नहीं जला, शुक्र है। दूध थोड़ा और डाल लेता हूँ इसमें ताकि अच्छे से पक जाए, ऐसे पूरा दूध मैं इसी के लिए लेके आया था। पूरा डाल देता हूँ। तो गाइस गाजर का लता हमारा बनने लग गया है, अब मैं थोड़ा सा इसमें चीनी डाल लेता हूँ, इतना सा चीनी डालेंगे हम इसमें, इसमें चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा और डालूँगा मैं, इतना सा और डाल देता हूँ। और अब देखो भाई, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसको, ये देखो चीनी वगैरह डाल लिया मैंने इसमें, चीनी अपने आप ही घुल जाएगी, अब इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं ऐसे, कुछ मिनटों में हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। अभी भाई मुझे तो लग रहा है बहुत टेस्टी होने वाले हैं, खुशबू आ रही है बहुत तगड़ी वाली, खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। गाजर का हलवा रेडी हो चुका है हमारा, देख रहे हो
और कर लग रहे हैं ना। बहुत टेस्टी हुआ भाई।